इतने साल के प्रैक्टिस में एक बात हमारे समझ में आई कि बहुत सारी व्याधियों की जो उत्पत्ति है ये अपने दैनंदिन लाइफस्टाइल जो है और आपकी सोच की क्रिया जो है, आपकी विचार पद्धति जो है, इससे संबंध इससे संबंधित रहती। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, जिस वातावरण में आप पलते जा रहे हैं और जिस ढंग से आपको रहने की सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं वही पूरी बीमारियों के लिए कारणीभूत है, ऐसा हमें लगता। इसको मॉडर्न लैंग्वेज में लाइफस्टाइल डिसीजेस बोलते हैं। तो एक लाइफस्टाइल में जो क्रिया करते आप लोग, उसके बारे में आपको सावध करना चाहता हूँ कि आप जो बाल को कलर करते है ना, काले करते, बहुत सारे केमिकल्स आते, बहुत सारे डाई जाती, बहुत सारे हर्बल पाउडर्स आते, मेहंदी जाती, और आप लोग इसका कोई ना कोई किस्म का प्रयोग करते रहते। अपने पके हुए बाल को, अपने सफ़ेद हुए बाल को आप ढकते रहते। अब ये बाल जो पकते हैं ये तो टोटली शरीर के अंदर में जो कुछ भी नैसर्गिक क्रिया होती है, नैसर्गिक एनर्जी के आधार से ही ये नैसर्गिक एनर्जी उसको सफ़ेद कलर में परावर्तित कर देती। आप स्वयं तो उसको नहीं कर सकते, तो शरीर में जो कुछ भी क्रियाएँ होती है वो आपका शरीर जिस वातावरण में ढल रहा है उस वातावरण से संबंधित ही आपके शरीर के अंदर क्रिया होती है ना। और ये क्रिया जो होती है ये टोटली नैसर्गिक होती है। अपना शरीर बहुत सुरक्षित रहना चाहता, वो प्रोटेक्ट होना चाहता, और इस सुरक्षिता के लिए शरीर के अंतर्गत में बहुत सारे प्रवर्तन होते रहते। जैसे कि आप कुछ नैसर्गिक उदाहरण देते, आपको भूख लगती, आपको प्यास लगती, ये शरीर की डिमांड रहती, इसलिए लगती, इसलिए आप सेंस करते कि भाई मैंने पानी पीना चाहिए। उसी तरह से आपको पेशाब होती, आपको संडास जाना पड़ता, ये शरीर की डिमांड रहती कि कुछ जो कुछ भी घटक द्रव्य है वो उत्सर्जित होना चाहिए, शरीर की गंदगी बाहर निकल जाना चाहिए, इसलिए क्रियाएँ शरीर के अंदर अपने आप होती रहती। ना कि आप स्वयं पेशाब पैदा कर सकते, ना कि आप उसको रोक भी सकते। यदि आपको ये लघु क्रिया यदि रोक दी तो आपको कितनी तकलीफ होती है, आप स्वयं इसका एक प्रयोग करके देखिए स्वयं के ऊपर। आप 5-10 मिनट से ज़्यादा आपकी इच्छा शक्ति से उसको रोक नहीं सकते। यदि रोका तो आपको बहुत सारी अस्वस्थता महसूस होती और आपको क्रिया करना ही पड़ता, क्योंकि नैसर्गिक के सामने आपको झुकना ही पड़ता। तो हमारा कहना यही है, यदि नैसर्गिक तरीके से यदि आपके बाल पक गए तो उसको ढक के रखने में, उसको कवर करने में आपको जो तर्क दिया है और आपको जो ज्ञान दिया है ये कुछ सही नहीं है, ऐसा हमें लगा। ये एनर्जी को ब्लॉक कर देने से है ना, जो नैसर्गिक क्रिया होती है उसको ब्लॉक करने से शरीर में बहुत सारे उत्पाद होते हैं। जैसे कि जो लोग हमेशा डाई लगाते हैं, जो कलर करके रखते हैं बाल, अच्छा दिखना चाहिए, उनकी इच्छा रहती है कि मैं अच्छा दिखूँ। अरे लेकिन भैया ये अच्छा दिखते दिखते शरीर की हानि हो रही है, वो भूल ही जाते और कभी कभी बहुत बार कबूल भी नहीं करते कि इसके कारण मेरा वो हुआ होगा है ना, क्योंकि उसमें उनका दिखावा ज़्यादा महत्व रहता है ना। वो उसके लिए उल्टा आपको सिद्धांत भी बताएंगे कि इससे नहीं होता करके। सही बात है, यदि आपके सिद्धांत आपके अच्छे लगते तो आप करो है ना, लेकिन वैद्यकीय क्षेत्र में 30 साल काम करने के बाद हमको जो कुछ भी अनुभव आया है उसका एक उदाहरण आपको, आपकी सेहत अच्छी होना चाहिए इसीलिए देते हैं, क्योंकि ये डाई लगाने से जो व्याधियाँ होती है ये बहुत लंबे दिन तक चलती रहती है और ज़िंदगी भर चलती रहती। इसकी प्रेजेंटेशन जो बॉडी के ऊपर होता है ये विविध फॉर्म में आता, बार बार छिके आना, हमेशा सर दर्द होते रहना, शरीर के ऊपर में इचिंग होना, खुजली होना, इधर उधर खुजली होते रहना है ना, भूख न लगना, हड्डी में बुखार रहना, गर्दन दुखते रहना, शरीर के सब जॉइंट स्टीफ आते जाना है ना, रात को नींद न लगना, बेचैन सा रहना, ऐसे बहुत सारे दम लगते रहना, बार बार खांसी आते रहना है ना, गले में खरोंच रहना, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे लक्षण शरीर के ऊपर आते रहते। और विज्ञान के रिपोर्ट में भी इसके कुछ दिख नहीं पड़ता है ना, सब रिपोर्ट नॉर्मल रहते। फिर आप इसको बोलते एलर्जी के कारण होगी, ठीक है, यदि एलर्जी भी कारण होती है तो एलर्जी का है कि भी बहुत सारे डाई और केमिकल पे तो लिखा भी रहता, वार्निंग नहीं रहती कि भाई इसको टेस्ट करके लगाना चाहिए, इसे शरीर में आपत्ति आ सकती। लेकिन अपनी सोच कैसी बनी, अपनी सोच बनी आजकल दिखावे की, मैं अच्छा दिखूँ। अरे त्वरिया अच्छा दिखना है तो इसके लिए बाल कलर करने से आदमी अच्छा दिखता, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हमारा मत है ना। बहुत सारे अपन देखते हैं, अपने पुढ़ारी देखते हैं, देते देखते हैं, उनके तो बाल पके हुए। फिर आप सर्वसामान्य इंसान आप लोग, आपकी बुद्धि को थोड़ी विपरीत है, आपको ज्ञान देने में नहीं आया है ना,
और आप लोगों का देख के दिखावे के पीछे दौड़ रहे और खुद को हानि पहुंचा रहे, ऐसा हमें लगा। हमने इतने मरीज देखे, बहुत सारे मरीजों के हमने बाल सब मैंने ऐसे ब्लैक किए हुए देखे, है ना। उन्होंने बहुत सारे लेडीज भी देखी, महिलाएं देखी, और ये उपरोक्त तो जो हमने सिम्टम्स बताया, लक्षण बताया, उससे हमेशा ग्रसित रहते थे। एक दिन हमारे ख्याल में आया कि इनकी सब रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद में ये ऐसा क्यों हो रहा है बार 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 बार। तो अचानक विचार की धारा जागृत होगी और हमको ये ध्यान देने में आया कि भाई यहाँ इसकी जड़ जो है ये नैसर्गिक क्रिया को रोकना है। और नैसर्गिक क्रिया को कैसे रोक रहे हो, जो सफ़ेद बाल हो गए उसको ढक्के रख रहे हमेशा के लिए, इसलिए वो अंदरूनी जो एनर्जी है वो शरीर के साथ फाइट कर रही थी। वो एनर्जी का कहना ये रहता कि ये मैंने बनाया है, ये शरीर मेरा है, मैंने को जैसा रखना वैसा मैं इसको रखूंगी, मैंने यदि इसके बाल वाइट किए थे, ये ढकने वाला कौन होता है, वो उद्विग्न हो जाती है और शरीर में इधर उधर में उसके रिफ्लेक्शन आते और ये वादिया की उत्पत्ति होती है, ऐसा हमें कहना है। तो आप सावध हो जाइए, है ना, दिखावे के लिए अपने शरीर के हाथ में मत कीजिए। और जो कुछ भी ये मरीज हमने देखे और उनका डाई हमने बंद कर दिया, हेयर कलर बंद कर दिया, तो उनको बिना दवाई से आसानी से मुक्ति भी मिली। जब उनको मुक्ति मिली ऐसा हमें लगा कि भाई जड़ यहाँ पे है, हेयर कलर पे है, तो इसीलिए सभी लोगों को इसका फायदा होना चाहिए ऐसा हमें लगा। इसलिए मिडलाइन थेरेपी की ओर से, महेंद्र हेल्थ रिट्रीट की तौर से आपको ये ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कृपया स्वयं के ऊपर प्रयोग करके दीजिए, देखिए और बिना दवाई से ये व्याधियों से मुक्ति पाइए। धन्यवाद।